फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। Hey guys, what's up? This is Prerna Jha and you're watching Fitness Beauty Mantra. और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ द मोस्ट अवेटेड समर वेट लॉस डाइट प्लान। जी हाँ, और ये डाइट प्लान बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है इसका, और एक महीने में इस डाइट प्लान से आप 10 kgs तक वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम जानते हैं इस डाइट प्लान के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ यार, उस लाल डिब्बे को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बौकाल मचा दो, क्योंकि आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे। तो चलिए फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा देना चाहती हूँ। इस पूरे डाइट प्लान में आपको जहां पे भी सॉल्ट आप यूज करेंगे वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पिंक हिमालयन सॉल्ट ही यूज करना है, नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज नहीं करना है। इस पूरे डाइट प्लान में आपको शुगर बिल्कुल यूज नहीं करनी है। अगर आपको स्वीटनर लेना है तो आपको नेचुरल स्वीटनर्स यूज करने होंगे, लाइक स्टीविया लीव्स या फिर पाम शुगर वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है आपको। ऑयल में, यानी कि फैट्स में, ऑयल में आपको सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑयल आपको और यूज नहीं करना है। तो इस डाइट प्लान को आपको स्टार्ट करना है मॉर्निंग में 7 बजे तक। आप इससे पहले भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 7 बजे तक स्टार्ट कर देना है। और 7 बजे तक आपको लेना है 1 ग्लास बार्ले ग्रास वाटर। और बार्ले ग्रास वाटर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 टेबल स्पून बार्ले ग्रास पाउडर लेना है और उसमें 1 ग्लास वाटर ऐड कर देना है ल्यूक वॉर्म, इतना सिर्फ कि आप उसे इजिली पी सकें। सिप सिप करके पीने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक बार में जितना आराम से पी सकें, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है, तो इसे ज़्यादा सिप सिप करके पीने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सुबह 8 बजे तक आपको लेना है वेट लॉस जूस। जी हाँ, ये जो वेट लॉस जूस है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है और उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बार बटन में नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। ये जो जूस है ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके आपका बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस करता है। तो इसे आपको 8 बजे तक एनी हाउ ले लेना है, इससे लेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसके 1 घंटे बाद का गैप आपको डेफिनेटली रखना है अपने ब्रेकफास्ट में, इसलिए इसे एनी हाउ 8 बजे तक आपको ले लेना है। और इसके बाद हमारा टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट आपको 9 बजे तक एनी हाउ कर लेना है, और ब्रेकफास्ट में मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दे रही हूँ, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी, और ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बार बटन नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है वेट लॉस सत्तू ड्रिंक की रेसिपी। सत्तू जो होता है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसका ड्रिंक आपका वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ आपको फिल भी रखता है और ठंडक भी प्रोवाइड करता है आपके पेट को, तो इसलिए इसे अपने डाइट में आप जरूर इंक्लूड कीजिए एक ऑप्शन में। इसकी रेसिपी का वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बार बटन में नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है कोई भी एक स्मूदी। मैं आपको 2-3 स्मूदी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से जो भी स्मूदी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस स्मूदी का ब्रेकफास्ट में अपने इंक्लूड कर सकती हैं उस स्मूदी को। उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद इसे अपने ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। ये कन्वीनियंट भी होगा, फटाफट भी बन जाएगा और आपको बहुत लंबे टाइम के लिए फिल भी रखेगा, और गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठंडक भी देगा आपके पेट को। ब्रेकफास्ट के बाद अगर आपको मिल्क टी पीने की आदत है तो आप ब्रेकफास्ट के 5-10 मिनट बाद आराम से मिल्क टी ले सकते हैं, और अगर आपको ग्रीन टी पीने की आदत है, मिल्क टी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप ब्रेकफास्ट के 1/2 घंटे बाद यानी कि 30 मिनट्स बाद आराम से ग्रीन टी ले लीजिए। और ये जो ग्रीन टी है ये नॉर्मल ग्रीन टी आपको नहीं लेना है, ये जो मेरा फैट कटर ग्रीन टी का रेसिपी है वही वाली ग्रीन टी आपको लेनी है, और उस ग्रीन टी के वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बार बटन में नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसकी रेसिपी देख सकते हैं। और अगर आप मिल्क टी पीते हैं अपने ब्रेकफास्ट के 5-10 मिनट बाद, तो फिर आपको उसके 1/2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद ग्रीन टी ये वाली लेनी होगी, इमीडिएटली ग्रीन टी बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हम आते
चलते हैं अपने मिड मील पे। मिड मील आपको 10:30 से 11:30 के बीच में कर लेना है, और इसमें आपको लेना है कोई भी सीजनल फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद हो वो कोई भी एक सीजनल फ्रूट आपको मिड मील में अपने इंक्लूड कर लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो मैं कुछ फ्रूट्स आपको सजेस्ट करूंगी, आप उनमें से अगर प्रिफर कर सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो इन्हीं में से कोई फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, देन फिर आपका कीवी हो गया, पपाया हो गया, आप इनमें से कोई भी फ्रूट्स जो है, जैसे अब थोड़े दिन बाद जामुन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे थोड़ा बारिश गिर जाएगी तो आप जामुन भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इस टाइप के फ्रूट्स आप अपने डाइट में मिड मील में इंक्लूड कीजिए, कोई भी सीजनल फ्रूट इनमें से, यह आपके वेट लॉस के लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको जो सीजनल फ्रूट की बेनिफिट्स होती है वो भी प्रोवाइड करेगा। इस टाइम पे यानी कि मिड मील में आप चाहें तो 1 ग्लास कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने लंच पे। लंच आपको 1 से 2 बजे के बीच में कर लेना है एनी हाउ, इससे लेट मत कीजिएगा। और लंच में आपको लेना है मल्टीग्रेन दलिया। इस मल्टीग्रेन दलिया की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बार बटन, नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन होगा ब्राउन राइस, और इस ब्राउन राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बार बटन, नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो की, उस रेसिपी की वीडियो भी देख सकते हैं। लंच के आधे घंटे बाद अगेन आपको 1 कप ग्रीन टी लेनी है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई है वही वाली सेम रेसिपी के साथ। इसके बाद अब हम आते हैं अपने इवनिंग स्नैक्स के टाइम में। इवनिंग स्नैक्स आपको 4 से 5 बजे तक के बीच में कर लेना है। इसमें आप ले सकते हैं 1 छोटा बाउल स्प्राउट्स का, और स्प्राउट्स की एक रेसिपी जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वैसे भी बना करके स्प्राउट्स ले सकते हैं, वो बहुत डिलीशियस भी लगता है, साथ ही साथ काफ़ी फिलिंग और हेल्दी भी है, तो आप चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। उसके अलावा आप ले सकते हैं वेट लॉस ड्रिंक, ये जो वेट लॉस ड्रिंक है ये भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको एज यूजुअल वहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में। उसके अलावा आप ले सकते हैं थर्ड ऑप्शन में पॉप्सिकल्स, जो गर्मियों के दिन में आपको बहुत ठंडा रखेगा और एक बहुत अच्छा चेंज और फ्लेवर भी दे देगा आपके इवनिंग के स्नैक्स को। पॉप्सिकल्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको चाय, इवनिंग में टी पीने की आदत है, तो अगर आप इनमें से कोई भी ठंडी चीज ले रहे हैं तो उसके 1 घंटे बाद आप आराम से मिल्क टी ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने डिनर में। डिनर आपको 8 से 9 बजे तक के बीच में कर लेना है, और इसमें आपको पहला ऑप्शन में दे रही हूँ ओट्स की खिचड़ी का ऑप्शन, और ओट्स की खिचड़ी मैंने अपने एक वीडियो में बताई हुई है, व्हाट आई ईट इन अ डे का मेरा एक वीडियो था, उसमें मैंने इसकी रेसिपी बताई हुई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना चाहते हैं इस ओट्स की खिचड़ी की रेसिपी। तो इसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन होगा चिकपी सैलेड या फिर राजमा सैलेड, इनमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको रात में सोने से पहले 1 कप अगेन ग्रीन टी ले लेना है, जो रेसिपी मेरे चैनल पर मैंने आपको बताई हुई है, उसी सेम रेसिपी की ग्रीन टी आपको लेनी है। और ये था मेरा पूरे दिन का एक समर वेट लॉस डाइट प्लान, और मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, या आप सबको पता है कि कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पूरे दिन में पीना है, चाहे आप ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो या कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, तो आप पूरे दिन में 6 से 7 लीटर तक पानी ज़रूर पीजिएगा इस डाइट प्लान में भी, एंड साथ ही साथ आप डिटॉक्स वाटर को भी अपने इस डाइट प्लान में इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर जो डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज़ अवेलेबल है, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से वो रेसिपीज भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये डाइट प्लान पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं लगी होगी, क्योंकि सिंपल सा डाइट प्लान है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे आपके लिए अच्छे और इनोवेटिव कंटेंट्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो वर्दी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स पर शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी मेरे इन वीडियोज के बारे में पता चल सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग डाइट प्लान या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।